हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नए वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 25 कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरे हॉलमार्किंग सेटअप करवाने में की एक्सपर्टीज़ है। मैं ऑल ओवर इंडिया में 100 से ज़्यादा सेंटर सेटअप करवा चुका हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए आपको क्वालिटी मैनुअल बना की वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी क्वालिटी मैनुअल के ऊपर 25वीं वीडियो है और इससे पहले मैंने 24 वीडियो बना रखा है जो मेरे चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट पर अपलोडेड है। आप गूगल में यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब जाने पर तो उस सर्च ऑप्शन आएगा, वहाँ आयुष्मान स्टडी पॉइंट डालेंगे और या अजीत प्रताप यादव AJEET PRATP YADB डालेंगे तो वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ पर जाके आपको प्ले लिस्ट मिलेगी क्वालिटी मैनुअल पेज नंबर 1-34। वहाँ पे जाके मेरी सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अभी आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा पेज नंबर 25 के बारे में, तो लेट्स स्टार्ट। तो पेज नंबर जो आपका 25 है, सेक्शन 3 के अंदर आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वालिटी मैनुअल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो ये पेज नंबर 25 सेक्शन 3 के अंदर आता है और हेडर में, जैसा आप लोग जानते हैं क्वालिटी मैनुअल के हेडर में क्या आपका नाम हॉलमार्क सेंटर का नाम आएगा, उसके राइट हैंड साइड पे क्या अपना लोगो लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन नंबर लिखेंगे। तो ये पेज नंबर की स्टार्ट होता है, इसका पॉइंट है इफ एनी एबनॉर्मलिटी इज ऑब्जर्व इन द रिसीव लॉट। अगर आपने कोई भी लॉट रिसीव करा हुआ है और मार्किंग के लिए अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आपको ऑब्जर्व होती है, इट शैल बी रिकॉर्डेड बाई द रिसीवर इन द सेंटर कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इन द कंप्यूटर। और उसी टाइम पे जो भी जिस बंदे ने आपको उसको रिसीव किया उसको वहाँ पे रिमार्क देना है, रिमार्क कंप्यूटर में या आप जो उसे फिजिकली रिसीव करते हैं। व्हेन देयर इज अ डाउट एज द सुटेबिलिटी ऑफ एन आइटम फॉर टेस्ट आर व्हेन एन आइटम डज नॉट कन्फर्म द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन द पैकिंग लॉट इश्यू वाउचर आर टेस्ट रिक्वायर्ड इज नॉट स्पेसिफाइड इन द सफिशियंट डिटेल द रिसीवर इमिडिएटली शैल कंसल्ट द ज्वेलर कस्टमर फॉर फर्दर रिटन इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन एंड शैल बी मेंटेन। सपोज करोगे ये क्लॉज है कि अगर सपोज करो आपको किसी कस्टमर ने आपको कोरियर भेजा, कोरियर में आपको उसमें कुछ डाउट लगता है कि उसमें डिटेल सारी करेक्ट नहीं दी ज्वेलर ने, तो ज्वेलर्स को उसको बात करनी है टेलीफोनिकली, जैसे भी आपका अरेंजमेंट है आप उसको कॉल करो और उसकी सारी डिटेल मांगो। अगर आपको जब तक पूरी डिटेल नहीं मिल जाती तब तक उसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। अगर आपको कोई अनऑथराइज लॉट लग रहा है, उसमें कोई अनऑथराइज फिलिंग विलिंग है, तो उसको आप उनसे हटा सकते हो और उसके विदाउट उसके फिर दोबारा रिटेन कंसेंट से आगे उस राइट बढ़ाना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रूम विद सेफ इज अवेलेबल विद द एडिक्वेट लॉकिंग अरेंजमेंट इन द सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ आर्टिकल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड ओवरनाइट। अगर आपके पास कोई ज्वेलरी आती है तो आपके पास प्रॉपर स्टोरेज सेफ होनी चाहिए उस ज्वेलरी को स्टोर करने के लिए ओवरनाइट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम विथ क्लोज सर्किट टीवी एंड मॉनिटरी सिस्टम इज अवेलेबल फॉर कीपिंग। और आपके सेंटर में CCTV कैमरा लगा होना चाहिए जिससे कि उसका आपकी मॉनिटरिंग हो सके, अगर कोई थेफ्ट आता है आपको तो थेफ्ट को आपसे बचे रहें और उसकी मॉनिटरिंग हो जाए। इसके बाद आपका कीपिंग अवेलेबल फॉर कीपिंग राउंड द क्लॉक विद वॉज सेंट्रली अबाउट इंटरनल एक्टिविटी एंड ऑल्सो अबाउट नियर बाई सराउंडिंग ऑफ द सेंटर एज पर प्रिवेंटिव मेजर। और आपके पास जो GNPV कैमरा लगा जिससे आसपास में क्या एक्टिविटी हो रही है उसका आपको पता लगता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंटर शैल इंश्योर आइडेंटिटी ऑफ द लॉट ड्यूरिंग फाइनल पैकिंग फॉर्म। और सेंटर को पूरी आइडेंटिटी रखनी है पैकिंग एंड क्या क्या पैकिंग में रखना है, अनएसे आर्टिकल आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ सैम्पलिंग, अनएसे आइटम फर्स्ट स्टेज ऑफ सैम्पलिंग मतलब जो आपने सैम्पलिंग की XRF से किया, अनएसे लॉट जब आपको जो अनएसे किया उसको सेफ में रखना है। इसके बाद हॉलमार्क आर्टिकल, फिर रिजेक्टेड आर्टिकल, फिर कॉर्नेट लेफ्ट आफ्टर एसेइंग ऑफ गोल्ड आर्टिकल, जो एसेइंग के बाद कॉर्नेट है उसका ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आइटम आर सुटेबली प्रोटेक्ट इन फाइनल पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन इफ रिक्वायर्ड डिलीवरी। अगर आपको ट्रांसपोर्ट से भेजना है तो उसकी प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए ज्वेलरी की। नेक्स्ट है द सेंटर शैल टेक इंश्योरेंस फॉर आर्टिकल
आर्टिकल अंडर प्रोसेस स्टॉक एंड हाई कॉस्ट इक्विपमेंट फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 10 लाख। तो भी ये क्लॉज बोलता है कि आपको जो हाई वैल्यू ज्वेलरी आती है उसका स्टॉक आपके पास रहता है, तो उसकी ज्वेलरी का स्टॉक का ज्वेलरी अंडर प्रोसेस और हाई कॉस्ट इक्विपमेंट का जो आपके कॉस्ट इक्विपमेंट है उसकी इंश्योरेंस लेना है, मिनिमम 10 लाख का लेने हैं और मैक्सिमम आप कितनी भी ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद क्लॉज नंबर आपका है हमारे IS 15820 का क्लॉज नंबर 5.9 ऑफ IS 15820 और क्वालिटी मैनुअल का क्लॉज आता है 3.5 एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेंटर शैल फॉलो अ वेल डिफाइंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट अंडरटेकन, द रिजल्ट डेटा शैल बी रिकॉर्डेड इन सच वे दैट ट्रेंड आर डिटेक्टेबल एंड वेयर प्रैक्टिकेबल स्टैटिकल टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू एनालाइज द रिजल्ट, ऑल द टेस्ट डेटा शैल बी कंप्यूटराइज ऑन डेली बेसिस विद द लॉट वाइज डे टू डे रफ कैलकुलेशन मेंटेन इन द पेज नंबर्ड रजिस्टर लिस्ट फॉर 3 मंथ। तो आपका इसमें क्या, आपके पास जो डे टू डे टेस्टिंग करते हैं सैम्पलिंग का मेथड और आपके जो रफ कैलकुलेशन करते हो उसका एटलीस्ट 3 मंथ तक उसका क्या है नंबर पेज पे करेंगे और 3 मंथ तक उसका स्टोरेज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द मॉनिटरिंग इज डन एज ए प्लान मैनर एंड रिव्यू एवरी क्वार्टर आई इंक्लूड फॉलोइंग आर्टिकल, और उसको जो आपके टेस्टिंग में मॉनिटरिंग करेंगे और एवरी क्वार्टर करेंगे। फिलहाल क्या डिटेल रेगुलर यूज ऑफ सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल, जैसे आप सारा पे सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल यूज़ करते हैं वो आपका डेली वेरीफाई होना चाहिए। फिर पार्टिसिपेंट इंटर लाइब्रेरी कंपेरिजन प्रोग्राम, आप इंटर लाइब्रेरी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो वो क्या है आपका पीरियडिकली होना चाहिए। अगर आप जो जैसे क्वार्टरली करते हो, मंथली, 6 मंथ मंथली करते हो, क्वार्टरली करते हो, हाफ ईयरली करते हो, ईयरली करते हो, तो आपको मेंशन रिप्लिकेट टेस्ट यूजिंग द सेम मेथड ऑफ द टेस्ट पैरामीटर, आप रिप्लिकेट टेस्ट करना है सेम मेथड यूज़ करके। नेक्स्ट पॉइंट है द CU एंड क्वालिटी मैनेजर शैल कैरी आउट एनालिसिस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डेटा टेस्ट डेटा XRF एंड फायर SA फॉर गोल्ड XRF एंड SA ऑफ सिल्वर आर्टिकल एंड चेक क्वालिटी डेटा ऑफ लेजर मार्किंग वेयर सच डेटा फाउंड टू बी आउटसाइड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया प्लान एक्शन शैल बी टेकन टू करेक्ट द प्रॉब्लम एंड प्रिवेंट इनकरेक्ट रिजल्ट बींग रिपोर्टेड। तो CU और क्वालिटी मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जो डेटा को सारा चेक करें, लेजर मार्किंग करते हैं, लेजर मार्किंग को क्वालिटी चेक करने हैं, लेजर मार्किंग की क्वालिटी एसेंग टेस्ट रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे अगर जिससे कि हमारा रॉन्ग डेटा और रॉन्ग रिजल्ट रॉन्ग मटेरियल आपको ज्वेलर सर्विस आपको क्या है रेंडर ना हो कस्टमर को। तो ये था हमारा क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 25 कैसे बनाएं। पेज नंबर 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें मोटी मोटी चीज़ें आपका ज्वेलरी के पास जो आएगा उसमें उसका इंश्योरेंस लेना है, आपने क्वालिटी प्लान जैसे ILC करवाना है, रेगुलर सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल यूज करना है अपने इक्विपमेंट के लिए, रिप्लिकेट टेस्ट करना है यूजिंग द सेम मेथड एंड टेस्ट पैरामीटर्स। तो भाइयों मेरी वीडियो ये यहीं पर ख़त्म हो जाती है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ अभी वो नीचे बटन दिखाई दे रहा था उसको हिट कर दें जिससे हमारा चैनल क्या हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा और आप भी खुश मैं भी खुश। तो प्लीज़ ये वीडियो सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, आपको नॉलेज देने की को ट्राई कर रहा हूँ जितना मैं आपको दे सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।